लगभग 26 घंटे बाद खुला है बद्रीनाथ हाईवे। नंदप्रयाग में भूस्खलन से हो गया था बंद, छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे थे लोग, जो बड़े पत्थर होते हैं बोल्डरों के ऊपर से सफर कर रहे थे लोग। और ऑल वेदर परियोजना के काम से बंद हुआ था हाईवे, बोल्डर और मलबा टूटकर हाईवे पर गिरा था। सुरेंद्र रावत एक बार फिर से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनसे अपडेट लेते हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से ऑल वेदर परियोजना के तहत रास्ता तो बन रहा है, लेकिन ये लगता है कि रास्ता रुक ज्यादा रहा है और नया रास्ता बन कम रहा है, परेशानियां ज्यादा आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग था जो नंदप्रयाग के पास बृहस्पत मार्ग को बंद हुआ था और किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद एनएच के द्वारा ही मलबा हटाया गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के जो मकान हैं, 3-4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, ट्रक और कार भी दब गई थी, हालांकि किसी के जान का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। और इसी मलबे से जो पूरे चमोली के मुख्यालय के साथ जो सिमट और पोखरी ब्लॉक की जो बिजली सप्लाई होती है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। और 2 दिन बाद भी यहाँ पे विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं एनएच का जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि बार बार इस परियोजना के, ऑल वेदर परियोजना के तहत काम चल रहा है और काम में भूस्खलन और बड़े बोल्डर्स का सड़क पर आना लगातार जारी है। कई कई बार तो बड़े बड़े हादसे होते होते टल जा रहे हैं। ऑल वेदर परियोजना के काम से बंद हुआ था हाईवे, बोल्डर और मलबा टूटकर हाईवे पर गिरा था, लेकिन अब ये छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।